हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीयूसेट के एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब आपको क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बात कर लेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले अगर आप गूगल पे जाकर सिंपली सीयूसेट भी सर्च कर लेंगे तो आपको इस तरीके का लेटेस्ट में बड़े अपडेट भी दिख जाएंगे, दो तीन बड़े, मतलब एक 4 आवर पहले अपडेट हुआ, देन 5 आवर पहले, एंड देन 18 आवर पहले अपडेट हुआ है। अब थोड़ा सा मैं किसी एक को ही, बाकी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, फॉर्म को और एंट्रेंस को और उसके बाद कैसे तैयारी करना उस पर भी। अब करें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन जुलाई फॉर यूजी एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्लास 12 मार्क्स वॉन्ट बी काउंट, मतलब क्लास 12 का जो मार्क्स है वो जो मेरिट वाला सीन है उसका कोई मतलब नहीं रखेगा, बस ये कि एटलीस्ट जो है लाइक 45% या 50% मिनिमम होना चाहिए जो कि एडमिशन के लिए अनिवार्य होगा, वो एज ए कंसिडर किया जाएगा। दूसरा ये कह रहा है सीयूसेट 22 अप्लीकेशन अप्रैल सिंगल एग्जाम फॉर एंट्री इन द टॉप यूनिवर्सिटी, इनका कुछ ज़्यादा ही स्वैग है न्यूज एडिंग का कहेंगे तो। और NETV का अगर देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्लास 12 मार्क्स वॉन्ट बी एडेड। ओवरऑल ये है कि अभी तक यही अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो अच्छी बात ये कि ऑफिशियल नोटिस भी आ गया, इससे हुआ ही है कि स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनल आपको कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड कर दूँ, देखिए आपका जो एग्जाम जो होने वाला होगा वो जुलाई में, जो अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आ रहा है जुलाई में एग्जाम्स, और फॉर्म की बात करें तो अगले 10 दिन के अंदर में, 10 to 15 डेज के अंदर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब सवाल ये होगा कि जो AMU जामिया वाले स्टूडेंट्स उनके साथ क्या होगा। देखिए उस पर भी कल एक वीडियो आ जाएगी, आप घबराए नहीं, वीडियोज उस पर आ जाएगी क्या है फाइनल और क्या AMU जामिया पार्टिसिपेट करेगा नहीं, उस पर वीडियोज आ जाएगी बहुत जल्द। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अगर इसके सीयूसेट के फॉर्म आ जाएंगे तो भी उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे में आपको कैसे तैयारी करना है। ये जो पेपर होने वाला है सीयूसेट का पेपर जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये कल का जो आर्टिकल आया था उसने फाइनल ये क्लियर कर दिया था कि कब पेपर होंगे और क्या होंगे, तो हम वो कल वाला ही आर्टिकल आपको दिखा देते हैं। जो आर्टिकल आए हुए हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के बिहाफ में आया था, हालांकि जो भी अब तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपडेट करा है वो ऑलमोस्ट सही हुए हैं, उनके बिहाफ में जो आया है वो मैं आपको फाइनल कर दूँ कि क्या है और किस तरीके से आपका पेपर होगा और आपको आप कैसे तैयारी करना है। देखिए यहाँ पे एक तो ये कि पेपर जो होगा वो ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज में होंगे, ऑलमोस्ट सारी आपके चॉइस होंगे कि भाई आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही दीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे पहले थोड़ा बता दे कर रहा है MCQ बेस्ड रहेंगे, NCERT टेक्स्ट बुक यानी कि 12th बेस्ड यू समझिए कि पेपर रहेगा। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी रहेगा एंड अगेन पेपर का लैंग्वेज भी बता दिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, जो पेपर होंगे वो 3 सेक्शन में होंगे। अब एग्जाम जो होंगे उसमें 2 शिफ्ट की बात की जा रही है, कैंडिडेट विल अपियर इन सेक्शन 1 लैंग्वेज एंड सेक्शन 2 जो होगा उसमें आपका सब्जेक्ट और डोमेन दोनों के लिए होगा। मतलब दो पेपर जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, पहला शिफ्ट में आपका लैंग्वेज का लिया जाएगा एंड सेकंड शिफ्ट में जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल टेस्ट लिया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आपका पेपर 3 पार्ट में रहेगा, फर्स्ट पार्ट में आपका लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड पार्ट में आपका सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक यानी कि मान लीजिए अगर पॉलिटिकल के देना चाहते हैं पॉलिटिकल के अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं तो हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़िए, और थर्ड जनरल टेस्ट जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा, मतलब ये कि चाहे वो हिस्ट्री के लिए देना चाहते हो या पॉलिटिक के लिए, तो ये 3 चीज़ें रहेगा। अब सवाल यहाँ पे होगा सर इसको तैयार कहाँ से करें। देखिए आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे तो वैसे ही है जो अब तक सीयूसेट ने कह रहा है वो ऑलमोस्ट आप वैसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप AMU के लिए देना चाह रहे हैं, जामिया EDU के लिए भी देंगे इस बार या BHU के लिए है, तो बड़ा सिंपल आपको इंग्लिश पढ़ना ही होता है, इंग्लिश पढ़ेंगे भी, GS वाले सेक्शन में पढ़ते वैसे भी थे इस बार भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है पढ़ेंगे इस बार भी, मैथ्स हो गया, रीजनिंग्स हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग होगी ये सब आप तो वैसे भी पढ़ते थे इस बार भी पढ़ना है, तो चीज़ें कोई अलग नहीं है। बस ये है कि वेट कर लीजिए थोड़ा सा ऑफिशियल आने का, फॉर्म को लेकर डिटेल को आने को लेकर वेट कर लीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को स्टॉप मत करिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। बट ये कि जो भी थोड़ा सा अपडेट आए उसी हिसाब से थोड़ा सा अपने आपको रिलेट करके आगे चलना है। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं या फिर अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप डिटेल रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।